जिला सीईओ ने रोजगार सहायकों को फोन पर दी गाली। मामला टीकमगढ़ जिले से सामने आया है, जहां रोजगार सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि टीकमगढ़ जिला पंचायत सीईओ स्वदेश मालवीय द्वारा फोन पर रोजगार सहायक मनोज श्रोति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए समस्त रोजगार सहायकों को गालियां दी गई हैं। हेलो, हाँ नमस्ते सर। पप्पू से सर अभी मतलब वो तो गया है रिश्तेदारी में। नहीं मतलब फाइल बुला ली, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहा, मत परेशान हो तुम लोग। नहीं सर, हमारा मतलब उसके घर वालों से बात हुई है। नहीं पड़ेगा, नहीं इसकी ऐसी कमते से तुम लोगों की सबकी, तुम लोगों ने बहुत परेशान किया। साले इतनी बीमारी, फोन करता हूँ तुम लोग साले टेंट फेल रहो, अभी सबके खिलाफ कार्य करता रहे तो तुम मतदान करवाओ। हेलो, सीईओ के द्वारा आए दिन कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया जाता है, साथ ही कार्यवाही के नाम पर पैसों की मांग की जाती है। सीईओ का कहना है कि तुम सभी संविदा कर्मचारी हो, 24 घंटे कार्य करना पड़ेगा। रोजगार सहायकों ने कहा है कि हम सभी इस तरह की अनैतिक प्रक्रिया से परेशान हो चुके हैं। प्रतिदिन की जा रही अभद्रता और भ्रष्टाचार के कारण हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए जब तक टीकमगढ़ जिले से सीईओ को नहीं हटाया जाता है, तब तक टीकमगढ़ जिले के समस्त ग्राम रोजगार सहायक कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सीईओ श्री मालवीय ने पूछने पर भड़कते हुए कहा कि रोजगार सहायकों को जो कहना है कहने दो। आज सामूहिक रूप से जिले के समस्त जीआरएस द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रशासकीय अधिकारी सीईओ जिला पंचायत के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तो जांच के विषय अभी सामने आएगी। ज्ञापन क्योंकि उन्होंने दिया है तो इसके लिए कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जांच की जाएगी और जो वास्तविकता सामने आएगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा।